नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बिजनेस टू एक्सप्लोर में। दोस्तों यहाँ पर मैं खेती किसानी और बिजनेस से जुड़े नए नए आइडियाज़ आपको शेयर करता हूँ। आप लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक बिज़नेस का तरीका, एक जानकारी आपको देने वाला हूँ, जो है दोस्तों काली हल्दी की खेती। देखिए इसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज मुझे आई हैं और अभी पिछले 3-4 सालों से ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि काली हल्दी की एक सबसे खास बात दोस्तों ये है कि ये मेडिसिन प्लांट है। वैसे इसका यूज़ जादू टोने वगैरह में भी होता है, जैसे बंगाल असम में इसका मेनली ओरिजिन माना जाता है, वहाँ पर बहुत पहले से इसका यूज किया था। लेकिन पूरे भारतवर्ष में अब इसकी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि इसके मेडिसिनल उपयोग बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छी इसकी खपत यहाँ पे जो है। तो इसकी खेती करके दोस्तों आप एक बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जो किसी और खेती में आपसे आप नहीं कमा सकते। तो मैं आपको इसकी थोड़ा सा बेसिक जानकारी यहाँ पे देना चाहता हूँ। जैसे कि आप अगर 1 एकड़ में आप काली हल्दी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में दोस्तों लगभग 1 से 1 फुट की आप दूरी रखेंगे। 1 एकड़ में होता है लगभग 4400 स्क्वायर फीट, 44,000, सॉरी 44,000 स्क्वायर फीट के आसपास एरिया होता है। तो आप 1 बाय 1 फिट के अगर एरिया में लगाएंगे तो आपके लगभग 40,000 काली हल्दी का प्लांट लग जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ लगाना कैसे है। देखिए जैसे नॉर्मल आप हल्दी लगाते हैं, पीली हल्दी जैसे आप नॉर्मल लगाते हैं, सेम उसी तरीके से आपको इसको भी लगाना है। इसकी जो फांकें होती हैं, आपको बीज इसका जो काली हल्दी एक बार खरीदनी है, परचेज करनी है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है आपके आसपास तो मैं आपको वो अपडेट करा सकता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ से संपर्क कर लीजिए या कमेंट कर लीजिए, मैं आपको वहाँ से अवेलेबल करा दूंगा। दूसरा अब क्या करना है, आपको उसको छोटे छोटे पीस में काट लेना है। उस काटने के बाद आपको जो एक गांठ होती है वहाँ से एक अंकुर निकलता है, जैसे नॉर्मल आप जो है हल्दी की खेती या अदरक जो है लगाते हैं। तो आपने लगा दिया, 1 बाय 1 फिट की डिस्टेंस में आपको उसको लगा देना है। उसके ऊपर से थोड़ा सा रफ चीज़ें डाल देनी है, जैसे कि कुछ झाड़ वगैरह, कुछ सूखे पत्ते वगैरह, एक इतनी मोटी सी लेयर आपने रख देनी है, ताकि बीज जो हल्दी है उसको अंकुरित होने में बहुत आसानी होगी और नमी को आप बरकरार रखिए। तो लगभग 1 एकड़ में आपका 40,000 प्लांट दोस्तों पैदा हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके बाद इसकी मेंटेनेंस वगैरह कैसे करनी है और कैसे इसकी, देखो आपको बीच बीच में समय समय पर इसकी गुड़ाई करनी होगी। गुड़ाई या निराई जैसे हम करते हैं कि इसके प्लांट को मिट्टी से ऐसे चारों ओर से कलेक्ट कर दिया जाता है, ताकि जो हल्दी ऊपर निकलने वाली होती है ज़मीन से वो फिर से दब जाए और उसकी ग्रोथ में कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ये कुछ छोटी सी दोस्तों चीज़ें हैं जो अगर आप किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर मालूम होगी। लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। देखिए आपने सीडिंग कर ली, काला आपने हल्दी मंगवाई, उसके बाद उसको सीडिंग कर ली और 1 बाय 1 फिट की डिस्टेंस में अपने पूरे खेत की पहले जुताई करा लीजिए। उसमें नमी आपका पानी डाल दीजिए, उसको एक दिन छोड़ दीजिए खुला। उसके बाद आप उसमें काली हल्दी रोपित कर दीजिए हर जगह पे 1 बाय 1 फिट की डिस्टेंस में। आप ये मार्किंग करके भी कर सकते हैं, बिना मार्किंग के भी कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जब 1 बाय 1 फिट की डिस्टेंस में लगाएंगे, 40 से 44,000 प्लांट आपका जो काली हल्दी का है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब मैं अनुमानन आपकी अर्निंग्स की बात करता हूँ, जो मेन है। देखिए अगर आप 1 किलो हल्दी भी मान के चलते हैं, एक पेड़ आपको प्रोड्यूस करके देगा, तो 40,000 किलो यानी 40 के जी हल्दी आपके पास तैयार हो जाएगी दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और ये आसानी से कोई भी वेंडर आपके खेत से ही उठा लेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है। अभी मैं मार्केटिंग की भी बात करूँगा, कैसे आप इसकी मार्केट करेंगे और कहाँ ये आपका माल बिकेगा। दूसरा देखिए, 40,000 किलो अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर मैंने इंडिया मार्ट से कुछ रेट उठाए थे, वहाँ पर ये 200 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, कोई 2,000 रुपये किलो, कहीं पर 4,000 रुपये किलो, अलग अलग रेट हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, इसके लिए अभी कोई मार्केट नहीं बनी है और मन मांगे दाम पे, उत्पादन पे इसका प्राइस डिपेंड होता है। अगर इस साल फसल अच्छी हो गई तो प्राइस गिर जाएगा, अगर फसल नहीं हो पाई है तो प्राइस इसका 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार रुपये किलो भी होता है। मैंने खुद अपनी हल्दी 2,000 रुपये किलो बेची हुई है। तो इस तरीके से मैं मान के चलता हूँ कि आप 250 रुपये किलो ले लो, बहुत अच्छी फसल हो गई, सभी लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। 250 रुपये किलो भी अगर होता है दोस्तों और 4,000 किलो आपके पास है, तो 1 करोड़ रुपए का पूरा काम आप कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का दोस्तों।
अब देखिए इसमें टाइम कितना लगता है, मात्र 10 से 12 महीने का। आप मान के चलिए 12 महीने, 1 महीना आपका प्रोसेसिंग में लगेगा, 1 से 2 महीना आपकी खेत की तैयारी करने में शुरुआती दौर में आपको लगेगा, 1 महीना एंड में जब आप हल्दी की प्रोसेसिंग करेंगे वो क्या करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए का काम आप कर लेंगे महज 1 साल में, वो भी 1 एकड़ में। तो कितनी खूबसूरत खेती है दोस्तों। और प्राइस मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ कि 2,000 रुपये किलो बेचिए, 5,000 रुपये किलो बेचिए, मैं 250 रुपये किलो की बात कर रहा हूँ आपसे। तो इस तरीके से बहुत ही फायदेमंद दोस्तों ये खेती है। आपको सिर्फ अपना खेती का तरीका थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। अब दूसरा दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा जो मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग इसमें बहुत कम होती है। देखिए प्रोसेसिंग का मतलब है, अगर हम नॉर्मल हल्दी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको धो के सुखाया जाता है और उसको आग में बॉईल किया जाता है, काफ़ी सारी लंबी उसकी प्रोसेस। इसमें ऐसा नहीं है, आपने अपने खेतों से उसको खोदना है, हल्की सी आप उसको धूप में सुखा लीजिए, उसकी मिट्टी झड़ जाएगी, आप स्टोर करके रख दीजिए, जिस दिन आपके पास कस्टमर आया आप उसको बेच दीजिए, काम खत्म। कोई प्रोसेसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए ये बहुत ही आसान है दोस्तों खेती करना। और अब करता हूँ मैं मार्केटिंग की बात। देखिए इसकी मार्केटिंग अगर आप इंडिया मार्ट पे अभी सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे बायर मिल जाएंगे जो खरीदने के लिए तैयार हैं। दूसरा, आप अपने लोकल में अप्रोच कर सकते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल की कंपनियाँ हैं, दवाई की कंपनियाँ हैं, वहाँ पर आप अप्रोच करके बहुत अच्छे दाम पे आपको वो इसका बहुत अच्छा दाम दे देंगे। दूसरा क्या है कि कई बिचौलिए हैं इस पे जो काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ जो आपसे माल उठा के कंपनी वाले को दे देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ आप डायरेक्ट कंपनी अप्रोच कीजिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें बताइए, हम आपका संपर्क करवा देंगे। क्या होता है कि बिचौलिए बीच में कुछ कमीशनखोरी कर लेते हैं, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों, कि आप लोगों को पूरा उसका फायदा मिलना चाहिए, बिचौलियों को उसका फायदा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप अंततः मेहनत कर रहे हैं, आपको उसका पूरा फायदा मिलना चाहिए। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप काली तुलसी का उत्पादन कीजिए, माल बिकने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपका माल बिक जाएगा। दिक्कत उन लोगों को होती है जो छोटे पैमाने पर करते हैं, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो काली हल्दी का उत्पादन आपने किया, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत बिकने में आती है। जब आपके पास कुंटल के हिसाब से माल होगा तो आसानी से कोई भी कंपनी आपके घर से उठा के ले जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट उसका बचता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ध्यान रखने वाली हैं, आप ज़रूर इसका शुरुआत कीजिए। एक और वीडियो मैंने काली हल्दी पे बनाया हुआ है, आप चैनल पे आए हैं तो विजिट कीजिए वीडियो वाले सेक्शन में, और वहाँ पे देखिए काली हल्दी के बारे में मैंने और डिटेल में थोड़ा सा वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी देख के आप बहुत अच्छा आपको आइडिया आ जाएगा और आप सिंपली खेती शुरुआत कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जो मैं इस चैनल पे आपको अपडेट करता रहता हूँ, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, बाकी अपना काम शुरू कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।